अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर. And radius 30 centimeter is dropped into a right circular cylinder full of water of height 180 centimeter and radius 60. इस कोन को एक किसमें सिलेंडर में ड्रॉप किया गया. ठीक है, फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन क्यूबिक मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, भाई पहले ये फुल था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो आएगा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. पता, बस ये एक्सप्रेशन अगर तुमने सही लिखा है ना, तो यही मेन चीज होती है. बस अगर ये लिखना आ गया तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच. फॉर्मूले भी लिखने जरूरी है, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. सब सेंटीमीटर में और हमें यहाँ क्यूबिक मीटर में क्या ध्यान देना, तो मीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा. पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 आर स्क्वायर एच. पाई तो है 22/7. कैपिटल आर कितना है, 60. तो 60 × 60 और कैपिटल एच कितना है, 180 माइनस 1/3. स्मॉल आर कितना है, 30 और स्मॉल एच कितना है, 60. अब देखो कॉमन क्या आता है, 22/7. तो पहले तो इसे कैंसिल कर लेते हैं. ठीक है, एक तो 60 कॉमन आ गया. ठीक है, एक 30 कॉमन आ जाता है और एक 10. अब देखो यहाँ से 30 भी गया, 60 भी गया और 10 भी गया, तो यहाँ से तो बचेगा 1. यहाँ देखो 60 चला गया, इसमें से 30 चला गया, 30 चला गया तो कितना बच गया, 2 रह गया, क्योंकि 30 × 2 = 60. और 180 में से 10 चला गया तो कितना रह गया, 18. ठीक है, 22/7, 60 × 30 × 10, 36 − 1 कितना हो गया, 35. 5. ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा लो, 5 × 11 = 110 × 60 × 30 × 10. ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, और हमें चाहिए मीटर क्यूब में. देखो हमें एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर. तो अगर इस सेंटीमीटर को देखें तो 3 बार सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ये तो ये तो ऐसे हो गया ना, 110 × 60 × 30 × 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, है ना. तो 110 60 30 10. एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100, दूसरे के लिए भी 100 और तीसरे के लिए भी 100, तो क्या आ जाएगा, मीटर मीटर मीटर. तो 1 2 3 4 2 3 4 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, 11 × 6 = 18/100 मीटर क्यूब. अब इन्हें मल्टीप्लाई करा लो, ये तो आ गया 8 8 और 1 9 और ये 1. ठीक है, तो 1.98 मीटर क्यूब आएगा अंतर.